हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो हेडिंग लिखेंगे बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट है बच्चों, और कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, एलआर। ठीक है, चलिए इसके जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और जो क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, उसको करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक फैक्ट्री है। यहां पर क्या है बच्चों, एक फैक्ट्री है। ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है पर डे, फैक्ट्री में क्या हो रहा है बच्चों पर डे क्या हो रहा है, 1000 टीवी बन रहे हैं, और साथ में उसी एक दिन में 1000 टीवी के साथ साथ, टेलीविजन के साथ साथ, और क्या हो रहा है बच्चों 2000 रिमोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पे सिचुएशन, केस क्या है बच्चों, एक इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, उस टेलीविजन इंडस्ट्री में बच्चों 1000 टीवी प्रोड्यूस होता है एक दिन में। कैपेसिटी कितनी है, 1000 टीवी प्रोड्यूस करने की, और 2000 रिमोट उस टीवी के, टेलीविजन के रिमोट प्रोड्यूस करने की। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि यहां पर आपको बताना है यूनिट्स ऑफ टेलीविजन सोल्ड। ठीक है बच्चों, यूनिट्स ऑफ टेलीविजन सोल्ड पर डे। ठीक है, आपको बताना है कि एक दिन में कितने टीवी के यूनिट्स सेल होंगे मार्केट में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो यहां से आंसर क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2000 रिमोट है, यहां पर 1000 टेलीविजन है, तो क्या आंसर यहां पर 2000 हो सकता है, 2000 टेलीविजन नहीं हो सकता है। क्यों बच्चों, 2000 रिमोट है पर टीवी सेट कितना है बच्चों, 1000 ही है। आप अगर 2000 रिमोट बनाए हो पर वो काम एप्लीकेबल कितने के साथ हो पाएगा, सिर्फ 1000 टेलीविजन के साथ ही एप्लीकेबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे, देखिए सिंपल एंट्री मेथड है। यहां पर क्या होगा बच्चों, 1000 टेलीविजन सेट के साथ 1000 रिमोट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बचा कितना बच्चों, ये हो गया जीरो, ये कितना यूनिट बचेगा, जीरो, पर ये कितना यूनिट बचा हुआ रहेगा बच्चों, 1000 रिमोट अभी भी बचा हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों बचा हुआ रह गया, यानी ये क्या है बच्चों, एक्सेस अमाउंट में है, ये क्या है बच्चों, एक्सेस अमाउंट में है, और ये क्या है बच्चों, ये चूंकि पूरा का पूरा यूनिट क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द लिमिटिंग पार्ट। ये आपका क्या है बच्चों, लिमिटिंग पार्ट है। तो प्रोडक्ट कितना अवेलेबल होगा मार्केट में, तो बच्चों 1000 टेलीविजन विद 1000 रिमोट आप इजीली सेल आउट कर सकते हो मार्केट में, पर आप बिना टेलीविजन सेट के उस रिमोट को आप सेल नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑफ नो यूज। अगर आपके पास टेलीविजन नहीं है तो आप रिमोट खरीद के क्या करोगे। ठीक है बच्चों, तो रिमोट जो है वो तो बचा हुआ रह गया, दैट इज एक्सेस अमाउंट। खत्म क्या हो गया पहले बच्चों, टेलीविजन पहले सेल आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका लिमिटिंग पार्ट। और प्रोडक्ट कितना सेल आउट होगा बच्चों, तो प्रोडक्ट सेल आउट जो होगा दैट विल बी 1000 टीवी, सही 100 टेलीविजन के साथ 100 रिमोट ही कंज्यूम हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से बच्चों समझ में ये आ रहा है कि जो प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड एक्सेस अमाउंट पे करता है, नहीं करता है। वो फाइनल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो डिपेंड करता है किस पे, लिमिटिंग पार्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है बच्चों एक बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल, जिससे हमको दो बातें समझ में आई। पहली बात कि अगर एक रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते, अगर एक रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उस कंडीशन में दोनों के अमाउंट अगर डिफाइंड है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का हो सकता है। सेकंड थिंग, जो पहले खत्म हो जाए रिएक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो कभी भी एक्सेस अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेस रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड किस पे करता है बच्चों, लिमिटिंग पार्ट पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। तो यहां से दो बातें समझ में आई, पहली बात कि जो रिएक्शन है पहले खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग पार्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं एक्सेस अमाउंट, एक्सेस पार्ट। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों वो किसके हिसाब से बनता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है बच्चों लिमिटिंग पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम रिएक्शन पार्ट की तरफ, चलते हैं कि हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पे क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, चलते हैं छोटा सा एक सिंपल सा रिएक्शन। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, फॉर
ए गिवन फॉर ए गिवन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ए ए प्लस बी बी से क्या बन रहा है बच्चों, सी सी प्लस डी डी, ठीक है, इफ एक्स मोल ऑफ, इफ एक्स मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ वाई मोल ऑफ, रिएक्ट्स विथ वाई मोल ऑफ बी, देन देन फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, देन फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहां पे एक सिंपल सा एक हमने केस अज्यूम करके चला है, ये एक रिएक्शन है, ए ए यानी ए का ए मोल रिएक्टेंट ए का ए मोल रिएक्टेंट बी के बी मोल से रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट सी का सी मोल बनता है और प्रोडक्ट डी का डी मोल बनता है। अब आगे बोलता है इसी रिएक्शन में यदि ए का एक्स मोल बी के वाई मोल के साथ रिएक्ट करता है तो बताओ पहले कौन खत्म होगा या फिर कौन बचा हुआ रह जाएगा, इट मींस कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये करेंगे कि पता कर ले ये क्वेश्चन लिमिटिंग का है या नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है LR फाइंड करना है, यानी लिमिटिंग का तो हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे देखिए। अच्छा इसी में अगर मैं एक चीज और ऐड कर दूं, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा है बच्चों पार्ट बी, ये तो हो गया ए पार्ट, ए पार्ट बी हो गया, एल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म, ठीक है बच्चों। क्या यहां पर दे रखा है, एल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म, ठीक है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम दोनों रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो और गिवन मोल्स के रेशियो को पहले हम क्या करते हैं, इक्वेट करके देखते हैं। अगर वो सेम आ गया तो वो लिमिटिंग रेट क्वेश्चन नहीं होगा, अगर वो सेम नहीं है, रेशियो सेम नहीं है, तो क्वेश्चन किसका बच्चों, लिमिटिंग का है। चलिए तो अगर रिएक्टेंट ए और बी, ध्यान देखते हैं यहां पर, रिएक्टेंट ए और बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल्स टू कितना है प्यारे बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना, ए है तो यहां लिखेंगे ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी कितना है, बी इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। इसको हम किससे इक्वेट करते हैं, इसको हम यह काम करिए, इसको हम किससे इक्वेट करते हैं, इसको हम इक्वेट करते हैं किससे, गिवन मोल से। तो ए का कितना मोल दिया है देख लो बच्चों, एक्स दिया है रिएक्शन में, और बी का कितना मोल दिया है, वाई दिया है। चलिए तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है बच्चों, बी है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों, अगर ये बराबर नहीं है मतलब क्वेश्चन किसका है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अब लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका स्टेज नंबर वन, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ, ठीक है। दो रिएक्टेंट है, कौन कौन है, ए है और कौन है बच्चों, बी है। तो ए के लिए हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए निकाल लें। इधर बी के लिए क्या करेंगे बच्चों, रिएक्टेंट बी के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन द रिएक्शन टेकन इन द रिएक्शन अपॉन नीचे क्या करेंगे बच्चों, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कॉपी करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहां से, चलिए मैं इधर लिखता हूं, ठीक है इधर लिखता हूं, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों ए का मोल्स कितना है, x है अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है देखेंगे, ए है, ठीक है। इधर बी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बी का गिवन मोल्स कितना है, ध्यान देंगे y मोल्स है, तो ये हो गया बच्चों y अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, बी का b है, ठीक है। इन दोनों में से बच्चों जो छोटी वैल्यू होगी, ये इन दोनों में से जिसे करस्पॉन्डिंग रेशियो छोटा होगा वही क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर ये बोल सकते हैं कि इनमें से जो रेशियो छोटा होगा क्या होगा बच्चों, जो रेशियो छोटा होगा वही एलआर का काम करेगा, वही क्या करेगा बच्चों, एलआर का काम करेगा, ठीक है बच्चों। आपने क्या किया है, दो रिएक्टेंट था, दोनों रिएक्टेंट में आपने क्या किया है, दोनों रिएक्टेंट के लिए अलग अलग मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया, मोल्स टू द गिवन मोल्स इन द रिएक्शन टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया। दोनों में से ये जितने भी रिएक्टेंट है, जिस भी रिएक्टेंट के लिए रेशियो छोटा होगा वही क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अगर मान लो ऐसा है कि ये वैल्यू छोटा हो जाए,
ये वैल्यू छोटा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा बच्चों कि a, ध्यान देंगे x upon a को आपने क्या बोला, assume किया छोटा है, तो x upon a किसके corresponding है बच्चों, reactant a के corresponding है, यानी a क्या होगा limiting, a is the limiting reagent, पर if ऐसा है, और दूसरा कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है, और if क्या हो जाए बच्चों x upon a बड़ा हो जाए और y upon b छोटा हो जाए, अब बच्चों कौन सा वैल्यू छोटा हो गया, कौन सा रेशियो किस रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग रेशियो, यानी कि मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो छोटा हो गया, देखेंगे ये किसे करस्पॉन्डिंग है बच्चों b के, तो यानी यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, b इज द लिमिटिंग रिएजेंट है, तो दोनों में से कोई भी एक केस आपको मिल सकता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व जब आप कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो एक बात यहां से क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन यहां सॉल्व हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट का फाइंड कैसे करेंगे, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, आइदर ए होगा या आइदर बी होगा, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, ये मैंने कल भी बताया था, ये रिलेशंस आते कहां से हैं, कल का लेक्चर जरूर देखें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी फॉर्म की तरफ, कि सी के कितने मोल्स बनेंगे, तो एक बात अभी मैंने आपको अभी अभी बताया कि कल भी इसको बोला था कि प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों ऐसे कंडीशन में वो हमें किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं इसको हटा रहा हूं, अब अगला कंडीशन सॉरी अगला हम क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सी निकालना है, ठीक है। तो पार्ट बी में अगर आते हैं बच्चों, तो सेकेंड पार्ट में अगर आते हैं बी में, तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा देखो, इफ इफ अगर क्या हो, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, जो हमने अभी दो केस डिफाइन किया था कि ए कब होगा लिमिटिंग रिएजेंट और बी कब हो रहा था लिमिटिंग रिएजेंट, अगर क्या है बच्चों ए है लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ए के ऊपर, ए के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, ए के ऊपर प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों। अगर ए लिमिटिंग है ए के हिसाब से देखेंगे, अगर बी लिमिटिंग हो तब बी के हिसाब से देखते हैं। अब करेंगे क्या बच्चों, चलो तो अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम फिर से यूज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अगर ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी क्या है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन उसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि कौन है बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, जो कि क्या है बच्चों यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल्स टू किससे इक्वेट कर देंगे, यहां पे इसका रोल खत्म हो चुका है क्योंकि बी तो एक्सेस में है, उससे प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है बच्चों। तो हमने लिमिटिंग को एक तरफ लिखा, दूसरी तरफ हम क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, तो प्रोडक्ट सी का अमाउंट आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे, सी का मोल्स कितना बनेगा, यही तो हमको शायद फाइंड करना है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो इसका मोल्स कितना है, क्वेश्चन में देखेंगे x मोल ऑफ a दे रखा है, जहां क्या पुट करेंगे बच्चों, x अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है a equals to, ये मोल्स आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों c, तो यहां से क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट c फॉर्म कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन a into c, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट c फॉर्मड, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मान लीजिए क्या है कि जो दो केस हमने अज्यूम किया था, या तो देखिए एक बार में दोनों लिमिटिंग तो हो नहीं सकता है, एक ही हो सकता है, या तो ए या तो बी, यानी पहला रिएक्टेंट या दूसरा रिएक्टेंट, ठीक है। हमने एक केस लिया कि अगर ए लिमिटिंग है तो क्या होगा, अब मान लीजिए अगर बी लिमिटिंग है तब क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर कर रहे हैं बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो बी के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, मोल्स ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी किसका लेकर चलेंगे, उसी बी का लेकर चलेंगे, ठीक है। इधर तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए b का मोल्स कितना दिया क्वेश्चन में, y दिया है, तो y अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कितना बच्चों, b है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ c कितना हो जाएगा बच्चों, y अपॉन b into c, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लिमिटिंग के, पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि लिमिटिंग कौन है, फिर आप फटाफट क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर ए रिएक्शन
4a प्लस 2b प्लस 3c से क्या बन रहा है बच्चों a4 b2 c3, ये बन रहा है बच्चों प्रोडक्ट a4 b2 c3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ एट स्टार्टिंग वन मोल ऑफ ए, ठीक है, 0.6 मोल ऑफ बी, 0.6 मोल ऑफ बी एंड 0.72 मोल ऑफ सी इज टेकन इन ए वेसल, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, इसमें बताना कि आपको बच्चों फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कितना बन करके आएगा, कब, जब इस रिएक्शन में एक मोल ए का, 0.6 मोल बी का और 0.72 मोल सी का आपस में क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अभी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि इसमें तीन तीन रिएक्टेंट हो गए, अब क्या करें, अभी तो हमको सिर्फ दो के लिए पढ़ाया गया बच्चों, दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट हो, चार रिएक्टेंट हो, कितने रिएक्टेंट हो फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला तो हम ये फाइंड कर लें कि ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है बच्चों। सेकंड थिंग कि अगर ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है या नहीं है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लिमिटिंग एंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तीन रिएक्टेंट है ए बी और सी है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, अच्छा दूसरा रिएक्टेंट कौन है, बी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, और तीसरा रिएक्टेंट क्या है बच्चों, सी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, ठीक है बच्चों। हम इन तीनों के रेशियो निकाल लेते हैं, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, जो वैल्यू बच्चों सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, वही क्या होगा बच्चों, वही होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो वैल्यू निकालते हैं, मोल्स ऑफ ए कितना दिया बच्चों, 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 4, अच्छा ठीक है, मोल्स ऑफ बी कितना दिया बच्चों, 0.6 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी कितना दिया बच्चों, 2, मोल्स ऑफ सी कितना दिया बच्चों, 0.72 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा बच्चों 0.3, कितना हो गया बच्चों 0.3 हो गया, ए कितना हो गया बच्चों 0.24 है, यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकलता है प्यारे बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट इज कौन है प्यारे बच्चों, सी, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है प्यारे बच्चों, सी है, यानी कि प्रोडक्ट जो ए फोर बी टू सी थ्री बनने वाला है बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगा, किससे बना हो गया, वो बना हो गया सी से, बनाओगे सी से बनाएंगे, ठीक है, यानी कि अब हम रिलेट किसको करेंगे, रिएक्टेंट या बोल सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट सी विद द प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, बस आपका आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप को मैं हटा रहा हूं, अब चलते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ, ठीक है बच्चों। चलिए तो लिमिटिंग आपको मिल चुका है, जो रेशियो सबसे छोटा था वही होगा आपका यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब चलते हैं, हमको पता चल चुका है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सी है, ठीक है। चलिए तो सी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो कि कौन है बच्चों फिलहाल, सी अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो कि क्या है बच्चों, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड यानी ए फोर बी टू सी थ्री अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका बच्चों, ए फोर बी टू सी थ्री,
ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट सी कितना है बच्चों क्वेश्चन में 0.72 अपॉन इसका बच्चों यहां ध्यान देंगे कितना है कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी कितना है ध्यान दीजिए यहां पर 3 है इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बच्चों ये तो आपको फाइंड करना है a4 b2 c3 अपॉन बच्चों ये क्या हो रखा है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए कितना है इसका यहां चेक करिए 1 है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A4, B2, C3 कितना दे रखा है बच्चों? सॉरी सॉल्व करिए ये 3 नीचे ऊपर कितना 24 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.24 मोल ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है 0.24 मोल ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना स्टार्ट करेंगे दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों लिखेंगे 36 ग्राम क्वेश्चन नंबर 2 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ठीक है बच्चों 30 ग्राम ऑफ सॉरी वेरी सॉरी ये 30 नहीं डाटा थोड़ा उल्टा हो गया 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है पहला है बच्चों फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट दूसरा है बच्चों अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड दूसरा है प्यारे बच्चों कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ठीक है बच्चों और तीसरा है बच्चों फाइंड द मोल्स ऑफ रिएजेंट लेफ्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएजेंट लेफ्ट ठीक है। यहां पे अमाउंट बोला है यहां पे लिख लीजिए इन मोल्स ठीक है बच्चों यहां पे आपको किसमें निकालना प्रोडक्ट का आपको किसमें निकालना है मोल्स में निकालना है ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों आइडेंटिफाई कर लें कि ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है या नहीं है ठीक है बच्चों। चलिए तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं देखिए क्या करेंगे सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं क्या हो जाएगा बच्चों Mg+O2 क्या हो गया बच्चों MgO दूसरा काम क्या होता है कल भी बताया था पहले रिएक्शन लिखने के बाद इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर लिखे 2 यहां पर क्या लगाएंगे 2 हो चुका है बच्चों ये बैलेंस ठीक है बच्चों। चलिए अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या-क्या होता है देखिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फार्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट कितना है बच्चों 2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट 1 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा बच्चों 36 अपॉन 24 क्योंकि मैग्नीशियम का 36 का गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 अपॉन ऑक्सीजन के सामने क्या लिखेंगे बच्चों गिवन वेट है 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 होता है ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या ये बराबर आ रहा है दिस इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल ये रेशियो कभी भी बराबर नहीं होगा 2 अपॉन 1 इधर क्या हो जाएगा बच्चों ऊपर 1.5 अपॉन 1 क्या ये बराबर है नहीं है मतलब दिस क्वेश्चन इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये बिल्कुल देखो बच्चों मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं बेसिक से बता रहा हूं जो बिल्कुल बिगिनर है स्टार्टर है क्लास 11th में ठीक है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको सो करने की जरूरत नहीं है ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं ये है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने जाइए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें ठीक है। चलिए फिर मैंने आपको बता दिया कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है ये भी आपने आइडेंटिफाई किया है अब आते हैं कि इसमें लिमिटिंग होगा कौन मैग्नीशियम होगा या ऑक्सीजन होगा ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि दोनों रिएक्टेंट का मोल्स टू द स्टोइकोमेट्री निकाल लें जिसका रेशियो कम होगा वही क्या होगा बच्चों लिमिटिंग होगा। चलिए मैग्नीशियम के लिए और ऑक्सीजन के लिए दोनों के निकालते हैं तो मैग्नीशियम के लिए गिवन मोल्स कितना है बच्चों तो मैग्नीशियम का वेट कितना है 36 है अपॉन एटॉमिक वेट कितना है 24 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों इसका 2 अच्छा ऑक्सीजन के लिए कितना होगा बच्चों तो ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चेक करें 32 अपॉन 32 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो क्या हो जाएगा बच्चों 32 अपॉन नीचे आएंगे तो क्या लिखते हैं हमें बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों ऑक्सीजन का 1 यहां पे क्या पुट करेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा बच्चों आपका 1.5 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा ठीक है यानी कि
कौन सी वैल्यू छोटी है बच्चों, तो देखेंगे 1.5 अपॉन 2 दिस वैल्यू इज स्मॉलर, ये वैल्यू क्या है बच्चों छोटा है, यानी कि लिमिटिंग कौन है बच्चों यहां पर लिमिटिंग है मैग्नीशियम है, लिमिटिंग एंड कौन हो गया यहां पर मैग्नीशियम हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए तो एक बात यहां से तय हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है, ठीक है। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखिए आंसर आ चुका आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहां पर बच्चों मैग्नीशियम है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रोडक्ट इसमें कितना बनेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो पार्ट बी में आते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे बच्चों, हमको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज मैग्नीशियम, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, अब इसको रिलेट करेंगे किससे, प्रोडक्ट को इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा लिमिटिंग के ऊपर, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में डायरेक्ट लिखना होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना है बच्चों यहां पर 36 अपॉन 24 गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन बच्चों मैग्नीशियम का कोएफिशिएंट कितना है 2 इक्वल्स टू बच्चों इधर आ जाइए, इसी का मोल्स आपसे पूछा है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन कोएफिशिएंट कितना बच्चों 2 है, तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा बच्चों 1.5। सिंपल इसको सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ चुका है सेकंड आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं पार्ट सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। पार्ट सी में क्या बोला है, मोल्स ऑफ रिएजेंट लेफ्ट, तो अगर बच्चों लिमिटिंग कौन है यहां पर ध्यान देंगे मैग्नीशियम, तो कौन है बच्चों एक्सेस रिएजेंट कौन है ये बताइए, तो एक्सेस रिएजेंट है बच्चों ऑक्सीजन है, O2 है बच्चों एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, पहले हम O2 का वो अमाउंट निकाल लें जो बच्चों क्या हो रहा है इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, फिर क्या करेंगे टोटल अमाउंट जो है से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है बच्चों 36 अपॉन 24 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, ये मैंने कहां से लाया गिवन वेट अपॉन क्या है बच्चों मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 यूज्ड इन द रिएक्शन, आपसे बोला लेफ्ट निकालना है तो लेफ्ट कैसे निकालोगे टोटल में से यूज्ड को माइनस कर देंगे, ठीक है। अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों इसका देख लिया क्वेश्चन में 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों देयरफॉर मोल्स ऑफ O2 यूज्ड इन द मोल्स ऑफ यहां लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 यूज्ड, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 used in the reaction क्या हो जाएगा बच्चों ये हो रहा 1.5 upon 2 यानी कितना हो जाएगा 0.75, ये देखिए इसको divide करेंगे 1.5 upon 2 कितना हो जाएगा 0.75, therefore moles of O2 left प्यारे बच्चों कितना मोल बच जाएगा, तो ध्यान देंगे दिया तो वेट है 32 ग्राम, आप क्या मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट तो कितना हो जाएगा 32/32 माइनस 0.75 यानी कितना बचा रह जाएगा प्यारे बच्चों 0.25, ऑप्शन में कितने मोल बचे रह जाएंगे 0.25 मोल बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नोट डाउन करेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करें जल्दी से और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये है 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3 PO4, then find the number of moles formed of product barium
फॉस्फेट Ba3 PO4 O2, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या करेंगे सबसे पहला काम बच्चों, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्या हो गया पहले बच्चों, BaCl2 व्हेन कंबाइंस विद क्या दे रखा है, देखिए सोडियम फॉस्फेट Na3 PO4। तो यहां से रिएक्शन करने के बाद क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट विल गिव यू बैरियम फॉस्फेट विद सोडियम क्लोराइड। तो यहां से क्या मिल जाएगा पहले बच्चों, बैरियम फॉस्फेट प्लस साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर लगाया हमने 3, बैलेंस करेंगे, रिएक्शन लिखा बैलेंस करेंगे, ठीक है। वहां पर हमने लगाया 3, ठीक है, नहीं 3 इस काम नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं, फॉस्फेट यहां पर 2 है तो यहां हमने लगाया 2, तो सोडियम कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। बैरियम 3 है, सोडियम हो चुका है Cl यहां, तो यहां पर 3 लगाते हैं। चलिए बच्चों ये हो चुका आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस, फिर से चेक करें, 3 बैरियम 3 बैरियम 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, सोडियम 6 है, सोडियम 6 है, फॉस्फेट, बिल्कुल बच्चों बैलेंस हो चुका है। चलिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहला काम तो ये कर लें, ये पता कर लें कि लिमिटिंग क्वेश्चन है या नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, चलिए ये थर्ड है, दो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट क्या करते हैं हम लोग, स्टोइकोमेट्री और साथ में किससे इक्वेट करते हैं, उसके गिवन मोल से। तो मोल्स कितना कितना दिया है बच्चों, तो BaCl2 का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 3 है बच्चों, अपॉन Na3PO4 का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 2 है बच्चों, ठीक है। क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है, तो मोल्स ऑफ BaCl2 कितना दिया है, 0.5 अपॉन सोडियम फॉस्फेट कितना दिया, वहां से कॉपी करेंगे देखिए 0.2, ठीक है। क्या ये बराबर है, बिल्कुल भी ये बराबर नहीं है, यानी कि ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन किसकी है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। चलिए अब सेकंड थिंग, इसमें लिमिटिंग एंड क्वेश्चन तो है, अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्वेश्चन तो ये है मेन। चलिए तो अब लिमिटिंग एंड कैसे फाइंड करेंगे, दोनों रिएक्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं मोल टू स्टोइकोमेट्रिक मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन का रेशियो फाइंड आउट कर ले, जो वैल्यू लीस्ट होगी मिनिमम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलिए तो BaCl2 का मोल्स कितना दिया प्यारे बच्चों, 0.5 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए इधर मैं लिख देता हूँ, ये BaCl2 के लिए है, एक काम करिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर और नीचे लिख दूं, एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों BaCl2, एक तरफ क्या लिखेंगे सोडियम फॉस्फेट। चलिए इसको अगर आप देखेंगे तो BaCl2 के लिए मोल्स कितना है प्यारे बच्चों, 0.5 अपॉन नीचे क्या होगा बच्चों, 0.5 अपॉन इसका ऑप्शन कितना है, 3। इधर आ जाइए सोडियम फॉस्फेट का अपना मोल्स कितना है, क्वेश्चन में यूज्ड मोल 0.2 मतलब गिवन मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2 है। चलिए अब आप बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये 5/3 यानी 0.5/3 मतलब ये समथिंग ऑफ 0.1 से क्या होगा ज्यादा होगा, ये वैल्यू इतनी क्या होगा 0.1 मतलब ये वैल्यू बड़ा है, मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये वैल्यू छोटी है ना, मोल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो छोटा है सोडियम फॉस्फेट के लिए, मतलब वही क्या होगा पहले बच्चों आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब क्या बच्चा आपको एक बार पता चल चुका है कि सोडियम फॉस्फेट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, अब क्या बच्चा ये प्रोडक्ट है इसको आप इससे रिलेट करके इजली क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो कि कौन है सोडियम फॉस्फेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट जो कि कौन है बच्चों सोडियम फॉस्फेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि कौन है बच्चों बैरियम फॉस्फेट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा पहले बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द बैरियम फॉस्फेट, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना यूज हुआ है बच्चों 0.2 यूज हुआ है, ठीक है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कितना है उसी सोडियम फॉस्फेट का ध्यान देंगे, सोडियम फॉस्फेट का मोल वहां से कॉपी किए स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन यहां से कॉपी करेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा पहले बच्चों 2 इक्वल्स टू यही तो आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड ये आपको निकालना है अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है पहले बच्चों इसका 1 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना है बच्चों 0.1 है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना बच्चों, फोर्थ की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चों देखेंगे इधर,
क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है प्यारे बच्चों, व्हेन व्हेन 22.4 liter of H2 reacts with 11.2 liter of Cl2 each at STP, standard temperature, pressure condition. Then find the moles of HCl formed. बच्चों अब क्या निकालना है आपको, number of moles of HCl formed निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहले क्या करेंगे, पहले बच्चों सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे और क्या करेंगे उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। वही काम करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रिएक्शन लिखिए, H2 प्लस Cl2 विल गिव यू HCl इन द गैसियस फेज। सबसे पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन यहाँ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ठीक है बच्चों। चलिए अब सबसे अगला काम क्या करेंगे, अगला काम करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों LR है नहीं है पहचान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप नंबर वन, जान लीजिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट Cl2 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व। तो बच्चों हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स चाहिए पर वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल, अगर इसको हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, पुराने लेक्चर्स को देखिए आपको इजी समझ में आ जाएगा। अगर हम गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमको इजीली मोल्स मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 22.4 अपॉन नीचे क्या है बच्चों, Cl2 के लिए हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, नंबर ऑफ मोल, Cl2 का वॉल्यूम कितना है 11.2 अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होता 22.4, क्या ये बराबर है बच्चों, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, 1 is not equal to 1/2, ध्यान देंगे, मतलब क्वेश्चन किसका हो गया बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट का हो गया तो पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर लेते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, चलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसको कैसे निकालेंगे, मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन के ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के लिए मोल्स कितना है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के लिए मोल्स कितना है आप शायद यहां पर निकाल चुके हैं, चलिए फिर से बता देता हूं, मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, सो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, इसी का खुद का कोएफिशिएंट लिखेंगे, हाइड्रोजन कोएफिशिएंट कितना है 1 = 2 बच्चों, दूसरा रिएक्टेंट कौन है Cl2 का मोल्स लिखे पहले, तो Cl2 का वॉल्यूम दिया है, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 11.2 अपॉन 22.4 अपॉन बच्चों नीचे कोएफिशिएंट Cl2 कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है बच्चों। चलिए ये किसके लिए बच्चों, H2 के लिए, ये किसके लिए बच्चों, Cl2 के लिए। अब देखिए दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये तो बच्चों 1 हो गया, ये बच्चों 1/2 हो गया, इसका क्या मतलब है बच्चों, ये वैल्यू बड़ा है, इट मींस कि यहां पर लिमिटिंग कौन है बच्चों, Cl2 है। यानी प्यारे बच्चों इन दो रिएक्टेंट्स में से Cl2 क्या है बच्चों, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा HCl, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, किसके थ्रू बनेगा, मतलब किसके अमाउंट के हिसाब से चलेगा, वो है आपका Cl2 जो रिएक्शन में पहले खत्म हो रहा है। चलिए तो अब चलते हैं फाइनल आंसर निकालने की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, अब चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। तो बच्चों फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, सिंपल क्या करें आप रेशियो लिख लें, मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट यानी Cl2 टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट यानी Cl2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट HCl, ठीक है। तो मोल्स ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन यूज किया, हां कितना यूज किया बच्चों, देखिए तो 11.2 अपॉन 22.4 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों लिमिटिंग का 1 इक्वल्स टू मोल्स, ये तो हमको निकालना है क्वेश्चन में, अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है प्यारे बच्चों 2 है, ठीक है बच्चों। चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो गया बच्चों कितना 1/2,
कितना हो गया बच्चों 1/2, इसको आप सॉल्व करिए 1/2 आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा होता कितना होगा HCl का वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता किसका, HCl का, किसमें, लगी वन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सो लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 10 लीटर ऑफ O2 गैस रिएक्ट्स विद 30 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस एट एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रिएक्शन लिखेंगे, और रिएक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। चलिए तो क्या हो जाएगा, CO रिएक्ट विद O2 विल गिव यू, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CO2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे बच्चों, तो यहां पर लगाएंगे क्या, 2 to the 4, ठीक है, हो चुका है बैलेंस, गैसियस फेज एंड इन द गैसियस फेज, तो आपका बैलेंसिंग कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक, कैसे, तो क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका छोटा होगा वही क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये रहा CO, ये रहा O2, ठीक है। CO के लिए बच्चों, CO के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां पर एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं, किसमें दिया, वॉल्यूम में दिया है, तो क्या करेंगे इसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो 30/22.4 डिवाइडेड बाय बच्चों इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, देखिए चेक करिए, ठीक है। अच्छा इसके लिए कितना हो जाएगा, O2 के लिए, तो O2 के लिए वॉल्यूम कितना है रिएक्शन में, 10 अपॉन कितना, 22.4 डिवाइडेड बाय भाई मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट की, अब इसका क्वेश्चन कितना है 1। चलिए अगर इसको सॉल्व करिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 30/22.4/2/1, तो अगर 30/22.4 × 1/2 यानी बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो गया 15/22.4, और ये कितना हो गया बच्चों, 10/22.4। अब आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो क्या है प्यारे बच्चों, सेम है, न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, मतलब वैल्यू बड़ा हो गया, ये वैल्यू बड़ा हो गया, मतलब बच्चों ध्यान दे, ये क्या हो गया आपका, यही है आपका LR, मतलब O2 ऑक्सीजन क्या है प्यारे बच्चों, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बात तो आपको पता चल गया, यानी कि रिएक्शन के एंड में ऑक्सीजन कितना मिलना है आपको, 0 मिलना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी बचा कौन, आखिर कौन मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 बचेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो बारी बारी से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक, पहला स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं कि कितना CO2 का होगा फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो कि क्या है बच्चों, O2 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो प्रोडक्ट आपको निकालना है, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2, ठीक है बच्चों। अच्छा साइड में आपका रिजल्ट मेंशन कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 लीटर, एक रिजल्ट ये हो गया, क्यों, क्योंकि यही तो क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट था, ठीक है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लिमिटिंग कितना हो जाएगा बच्चों, 10/22.4 अपॉन बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है O2 का, 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10/22.4 × 2 यानी कितना हो जाएगा ये 10/11.2,
ये हो गया बच्चों मोल्स, पर आपसे पूछा क्या है वॉल्यूम पूछा, ठीक है। एक कदम आगे बढ़ जाए, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 10/11.2 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम अपॉन क्या लिखेंगे, मोलर वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट टू टाइम्स में, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 20 लीटर, ठीक है। यानी एक बात और पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 लीटर। तो दो बातें हो गई, ऑक्सीजन जो लिमिटिंग था 0 लीटर इन अमाउंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, CO2 कितना 20 लीटर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एक छोटा सा पार्ट और बच गया है, वॉल्यूम ऑफ CO कितना होगा, ठीक है। तो CO देखिए कोई प्रोडक्ट है नहीं, ये एक रिएक्टेंट है जो कि एक्सेस अमाउंट में था, तो क्या करेंगे हम, कंज्यूम CO निकाल लेते हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, CO की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पार्ट को हटाकर CO सिक्वेट कर देते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो CO सिक्वेट करते हैं क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, लिमिटिंग से ही चलेगा, लिमिटिंग के हिसाब से हम कंज्यूम मोल्स ऑफ CO निकाल लेते हैं और टोटल से माइनस कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO, ठीक है। चलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स 10/22.4 अपॉन 1 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO, ये कौन सा CO की बात कर रहे हैं बच्चों, कंज्यूम, ठीक है। सो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कंज्यूम अपॉन ये कौन सा बच्चों, कंज्यूम्ड वाला है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों CO का, 2 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कंज्यूम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10/22.4 × 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10/11.2 मोल्स कंज्यूम्ड हो चुका है, ठीक है। देयरफॉर क्या बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO कंज्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कंज्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10/11.2 इक्वल्स टू वॉल्यूम, वही तो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4, ये कैंसिल आउट करेंगे, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ CO कितना हो जाएगा बच्चों, 20 लीटर। पर ये कौन सा वॉल्यूम है बच्चों, ये है वॉल्यूम ऑफ CO कंज्यूम्ड, देयरफॉर VCO रिमेनिंग ये कौन सा बच्चों, कंज्यूम, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, टोटल ये कितना थे 30, उसमें से खत्म कितना हो गया बच्चों, 20 खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 30 - 20 यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 लीटर, यानी यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, 10 लीटर। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो बच्चों लिमिटिंग एंड के एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस हमने देख लिए, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्लास मोर कंसेप्ट का और करते रहेंगे, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो कि थोड़े कठिन क्वेश्चन और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक दो क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।